राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत मस्त होंगे। ईश्वर आप सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और सुबह के भी बज रहे छः, तो आप लोग अभी अंधेरा देख सकते हैं कितना अंधेरा है। अभी चंद्रमा भी जो है अभी है, तो मैंने सोचा चलिए उठ ही गई हो तो यहाँ पर थोड़ा बहुत तो टहल लेती हूँ, दौड़ लगा लेती हूँ और उसके बाद में फिर करती हूँ काम, क्योंकि घर का काम तो सबसे ज़रूरी है, सबसे पहला काम है घर का काम करना। और उसी बीच में मैं सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने लिए भी जो है टाइम निकाल लिया जाए, तो इसलिए मैंने सुबह सुबह थोड़ी बहुत वॉक कर लिया और उसके बाद उन लग गई हूँ काम पर। तो सबसे पहले मैंने उधर काम किया है अपने कमरे का और गैलरी का, उधर करके आई हूँ तो सोचा इधर भी कर देती हूँ। यहाँ भी खाना पीना कभी कभार बनता है, बनाती हूँ जब मन होता है तो बना लेती हूँ। वैसे तो जो है यहाँ अलाउड नहीं है ज़्यादा जो है चूल्हा जलाना, पर मैं जो है कभी कभार जला लेती हूँ, मेरा मन करता है बहुत मतलब चूल्हे का खाना खाने का, तो इसीलिए कभी कभार मैं बना लेती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, वो मैं जो है चूल्हे पर बनाऊँ, पर देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। वो तो अभी तो मैंने सोचा है पर क्या मालूम होता है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं झाड़ू वाड़ू निकाल दी, इधर की चूल्हा जो है साफ़ कर दिया और इसमें जो राख भरी है उसको निकाल के डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो देखती हूँ आगे क्या काम है वो करती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ लंच, तो वो तो मैं जो है यहाँ गैस पर ही बना रही हूँ। तो खाना बनाऊंगी तो अगर मैं बाहर बनाऊंगी तो देखती हूँ, अगर नहीं तो फिर जो है यहीं पर मैं बना लूँगी। तो यहाँ लंच बना रही हूँ और बच्चे अभी नहीं उठे हैं, अभी उजाला होने लगा, पर मैं सोच रही हूँ खाना बना लूँ उसके बाद में फिर बच्चों को उठाऊँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 6:30 का टाइम था, तो 6:30 या 7:45 का टाइम था, उजाला हो गया था। तो मैं सोची चलिए पहले लंच बना दूँ और फिर बाद में जो है बच्चों को जगाऊँ, क्योंकि 1 घंटा पहले जग जाते हैं, अगर वो नहाना धोना तो नहीं करते हैं। मैं उनको बोलती हूँ पर वो इतना मतलब नहाना धोना नहीं करते, डरते हैं बहुत ज़्यादा सुबह सुबह इतनी ठंड में। आजकल बच्चे सुबह सुबह नहीं नहाते हैं, मेरे तो नहीं नहाते हैं पर और सबकी पता नहीं है। तो दोपहर में आके नहाते हैं जब जो स्कूल से आ जाते हैं उसके बाद में। तो मैंने कहा चलिए दोपहर में तो नहा लेते हैं, तो उसके लिए उनके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर लंच। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को छौंक दिया और मैं झटपट से लगा लेती हूँ आटा, आटा लगा के कर देती हूँ थोड़े से पराठे, तो बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर मैं झटपट से बना देती हूँ और अपने लिए तो टाइम बहुत कम ही मिलता है, मेरे लिए सुबह सुबह जल्दी उठ जाओ तो ही टाइम मिल पाता, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए तो मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। योगा या एक्सरसाइज ये सब करने के लिए मैं करती हूँ, पर जो है अभी कुछ दिनों के लिए मेरे जो बीच में बंद हो गया था, कुछ दिन के लिए मैं गाँव गई, उसके बाद यहाँ आ गई और फिर जो है पड़ने लगी ठंड, तो इस वजह से जो है मैं ठंड की वजह से फिर उठने का मन ही नहीं करता है, तो इसीलिए मैं कुछ दिनों से जो है योगा नहीं कर पा रही। और आजकल अगर सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच बढ़ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं मेरा मन ही मन इतना दिमाग मेरा चलता रहता है कि सोच में ही हमेशा पड़ी रहती हूँ, कुछ मुझे समझ में ही नहीं आता क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, इतनी मतलब स्ट्रेच में रहती हूँ टेंशन में कि बहुत ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा मैं रहती इसी के कारण, जो मैं अभी काम कर रही हूँ उसके कारण मैं सबसे ज़्यादा जो है मैं स्ट्रेस में रहती हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मेहनत करने के बाद में मुझे कुछ भी इसमें इस दिखाई नहीं देता, मतलब कि मेरा जो है वीडियो चलते नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा यहीं से टेंशन मिलती है, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। पर क्या करूं मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूं, इसीलिए मैं सोच रही हूं कि जो है मैं योगा करना स्टार्ट करूंगी और ये लोम्ब लोम्ब वाली योगा ये शुरू करेंगे, इससे मुझे जो थोड़ा सा राहत मिलेगी इसीलिए। तो देखिए यहां पर नहा धोकर के आ चुकी हूं, पूजा भी कर ली मैंने, तो मैंने सोचा चलिए मैं जो है पत्ता गोभी काट लेती हूं और अभी मैं सब्जी को जो है छौंक देती, और इसी सब्जी के बारे में मैं बात कर रही थी, जो कि मैं ये लोहे की कढ़ाई की सब्जी और चूल्हे पर बनाऊँ ना पत्ता गोभी बटला डाल के, ये मतलब बहुत ही अच्छी लगती सब्ज़ी, तो मैं सोच रही थी वहाँ पर बनाएंगे, पर जो है ऐसा नहीं हो पाया, सोचा था पर नहीं हो पाया,
फिर सोचा चलिए अभी मैं जो है यहीं पर बना लेती हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो है झटपट जस्ट छोंक देती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हस्बैंड तो चले गए सुबह सुबह, वो निकल जाते हैं आजकल जो है काम पर, अभी उनका जो काम चलने लगा तो सुबह सुबह जल्दी चले जाते, तो फिर सुबह मुझे ही जल्दी जो है खाना पीना बनाना पड़ता है, क्योंकि वो जल्दी जाते फिर जो है जल्दी से भूख लगती, फिर सोचती हूँ जल्दी बना के खिला दूँ उनको, नहीं तो जो है फिर लेट हो जाएंगे, फिर उनको भी जो है परेशानी होगी, नहीं तो बोलेंगे इतनी जल्दी उठ जाती फिर भी जो है खाना नहीं बनाती, तो फिर मैं सोचती हूँ जल्दी खाना पीना बना दूँ और उनको जो है खिला पिला के, और फिर मैं बाद में काम करती रहूँगी, क्योंकि मुझे सुबह आजकल बहुत जल्दी टेंशन होने लगी है, क्योंकि जाते हैं काम पे फिर सोचती हूँ पहले खाना बना दूँ, नहीं तो अगर लेट हो गए तो फिर जो है डांट भी पड़ेगी, इसीलिए मैं जल्दी से सोचती हूँ खाना बनाने के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मैंने सब्जी को छोंक दिया और यहाँ पर मैंने काट लिए ढेर सारी धनिया और थोड़ी सी रख दी है चाय बनने के लिए, इसी साथ में मैं जो है थोड़ी सी चाय पी लूँ, उसके बाद में फिर रोटी बनाती हूँ, और क्योंकि अभी टाइम हो गया था 8:30 या 9 बजने वाले थे, ज़्यादा ही हो गया होगा शायद टाइम, तो पूजा वूजा की इसमें तो खैर टाइम लग गया था, तो करीबन 9 बज गए होंगे, तो मैं सोची जल्दी से सब्जी बन जाए और उसके बाद मैं पी लूँ थोड़ी सी चाय और फिर करती हूँ काम। तो आजकल था मेरे लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता, इतना मतलब काम हो जाता है सुबह सुबह कि मेरे लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती सुबह सुबह कि मैं जो है चैन की सांस लेके जो है मैं अपनी चाय भी पी लूँ, इतना काम हो जाता है मेरे लिए घर में कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले चाय वाय पी लेती हूँ, फिर रोटियाँ बना लेती हूँ जल्दी से और फिर जो है उनको खिला पिला के भेज देती हूँ पहले, नहीं तो फिर जो है मुझे पड़ जाएगी डांट, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। पूजा वूजा मैंने बहुत जल्दी की है, सुबह सुबह इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती जितने कि जो है मैं आराम से सो बैठ करके जो है मैं पूजा पाठ कर लूँ जल्दी जल्दी में, बस ऐसी हो पाती है, बस भगवान के आगे एक दिया जला देती हूँ और जैसी भी होती है वैसी जो है भगवान स्वीकार करें, जैसे भी मैं सुबह सुबह कर पाती हूँ, कोशिश तो मैं अच्छे से ही करती हूँ कि मैं बहुत अच्छे से कर पाऊँ, पर इतनी जल्दी सुबह नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरी झटपट से बन गई सब्जी और सब्जी बन जाए और बना लेती हूँ झटपट से रोटियाँ। तो दोस्तों मुझे मेरी कमी खुद ही नज़र आती है, आप लोग मुझे नहीं बताते लेकिन मुझे मेरी कमी खुद नज़र आती है, क्योंकि मैं जो है वीडियो में अच्छे से बोल नहीं पाती हूँ और वीडियो जो है अच्छे से मैं जो है नहीं बना पाती हूँ, शायद इसीलिए मेरे जो है वीडियो आप सभी को पसंद नहीं आता है और आप लोग मुझे नहीं बताते, पर मेरी कमी मुझे खुद ही नज़र आने लगी है, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि वीडियो मैं अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, वीडियो अच्छे से नहीं बना पा रही, तो शायद मेरा वीडियो इसीलिए आप सभी को पसंद नहीं आ रहा है, तो मुझे मेरी कमी खुद ही नज़र आने लगी है दोस्तों, आप लोग बताएं ना बताएं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी कमेंट पे मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर मुझे बताया करें कि आपका वीडियो अच्छा है कि नहीं है, अगर नहीं है तो दोस्तों मुझे मेरी कमी कोई लगती है तो मुझे ज़रूर बताया करें वीडियो में, मुझे अच्छा लगेगा, मैं उस कमी को सुधार लूँगी, लेकिन दोस्तों ऐसा मत कीजिए कि अच्छा हो या बुरा हो, आप लोग ऐसे ही कमेंट कर दो कि अच्छा है अच्छा है, अच्छा हो तो ही बताया करें, नहीं है तो मुझे जो भी कमी लगती है वो बता दिया करें, मैं उस कमी को सुधार लूँगी, लेकिन दोस्तों आप लोग ऐसा मत कीजिए जो है एक ने कोई ने कमेंट कर दिया उसी के हिसाब से आप लोग जो है उसी हिसाब से जो है कमेंट कर दे, तो कोई कमी है तो उस कमी को मुझे बता दीजिएगा, मैं उस कमी को सुधार लूँगी। तो खाना पीना मेरा बन चुका है, उसके बाद मैंने सबको खिला पिला दिया, वो लोग चले गए और मैंने देखी झाड़ू पोछा नहीं लगाया और झाड़ू भी नहीं निकाला, बर्तन मैंने धो के रख दिए, किचन भी साफ कर दी, तो मैं सोची तो पहले मैं कर लेती हूँ कंघी, अगर कंघी बाद में करती तो फिर यहाँ पर बाल गिरते हैं तो फिर बुरा लगता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने जो है झाड़ू पोछा किया भी है, तो इसीलिए मैं पहले चोटी कर लेती हूँ, उसके बाद में जो भी बाल लाल गिरते हैं तो फिर झाड़ू निकाल के फिर पोछा लगा देती हूँ, तो जो है कमरा साफ़ हो जाता है बिल्कुल, फिर अच्छा भी लगता है पूरे दिन के लिए हो जाता है मतलब साफ, और कहीं भी एक बाल भी दिख जाए ना तो फिर इतना गंदा लगता है कि पूछो ना। और अभी है ना सर्दियों के दिन में बाल थोड़े बहुत झड़ने लगे, मेरे झड़ रहे हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं जो जल्दी से बांध लूँ और बांध के फिर मैं काम करती हूँ। वैसे तो मेरा सारा काम अभी हो ही गया है, जैसे कि लगभग मेरा उधर का काम मैं कर लेती हूँ सुबह,
जल्दी सब लोग उठ जाते तो उधर का काम जल्दी से कर लेती हूँ, और रह जाता है इधर का तो इधर का भी मैं फिर जो है खाना पीना बनाने के बाद में कर लेती हूँ। तो यहाँ आपने देखा होगा अभी जो है मैंने ये मलाई निकाली, तो सोचा इसमें निकाल कर रख देती हूँ, ये गर्म होगी तब तक जो है मैं और दूसरे काम कर लेंगे, बाद में इसका बनाएंगे मक्खन और फिर बनाएंगे घी। तो शुद्ध देसी घी घर पर ही बना लो बहुत अच्छा रहता है ना। और उसके बाद में फिर करती हूँ मैं बच्चों को, छोटा वाला बेटा जाएगा स्कूल फिर उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ये ढक करके रख दिया है इसको, और अभी वो जाएगा स्कूल। तो उसकी तैयारी करने से पहले मैंने सोचा चलिए मैं यहाँ पर थोड़े से कपड़े हैं वो धो के डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं आज थे कपड़े, बहुत थोड़े से थे। तो आज मैंने बच्चों के जो टाविल वाविल सब धो के डाल दी, ज़्यादा नहीं होते जिस दिन, उस दिन मैं दूसरे कपड़े देख लेती हूँ कि आज ये धुलने के लिए तो ये धो देती हूँ। और डेली के कपड़े हैं वो तो खैर डेली निकलते वो तो धोने ही हैं, और साथ में और दूसरे निकल आते तो वो भी धो देती हूँ साथ साथ में, तो मेरा वो भी जो है काम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने झटपट से डाल दिए कपड़े, और मैं बाबू को तैयार कर देती हूँ, उसका भी स्कूल का टाइम हो गया है, 12 बजने वाले हैं। तो मैं सोची कि मेरा ये काम हो ही चुका है तो मैं इसकी जो तैयारी कर देती हूँ। तो देखिए आ गई हूँ मैं कमरे में, यहाँ पर मैं उसके बॉटल वगैरह रख देती हूँ और लंच, और उसको तैयार करके स्कूल पहले भेज दूँ। और वीडियो भी मेरा इतना ही है दोस्तों, यहीं तक मैंने बनाया है सुबह से लेके 12 बजे तक का है, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक का, क्योंकि दिन में इतना काम कर पाती हूँ, यहाँ अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल पाएगा अभी करीबन 2 बजे तक, 1-1.5 घंटे आराम करेंगे, उसके बाद में फिर से शाम के काम में जो है लगेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैंने अपने 12 बजे तक का रिट्वीन ब्लॉग शेयर किया है, सुबह से लेके 12 बजे तक, अभी टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा यहाँ तक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर मैं उसको तैयार कर देती हूँ, और पहले स्कूल जाता तो बिना बोले तैयार हो जाता, आजकल तो बोलना पड़ता है तैयार हो जाओ तब जाके जो है स्कूल जाता है। पढ़ने में भी पहले बहुत अच्छा था, अभी घर गए उससे पहले और अभी आए ना, तो पढ़ने में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता है इसका, तो अभी ऐसा हो गया है। तो फिर भी जो है अभी मैं उसको थोड़ा सा ध्यान देती रहती हूँ, और अभी देखिए ठंड का मौसम है तो मैं उसको बिल्कुल पैक करके भेज देती हूँ, बिल्कुल टोपा उपा लगा के, और इस तरीके से मैं इसको स्कूल भेजती हूँ कि जो है बच्चे हैं ठंड ना लगे।